भाई दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरा दिया हुआ मैच का ज्ञान गलत नहीं होता और ना होगा। मैं अपनी किस्मत पे डिपेंडेंट हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं फैंटेसी में हार सकता हूँ, जीत सकता हूँ, उतार चढ़ाव आता रहता है। हर रोज़ जीत नहीं सकता, हर रोज़ हार नहीं सकता, मगर जो मेरे प्रेडिक्शंस हैं वो 90-95% सही जाते हैं और कल भी गए। मैंने बोला था आप लोगों से विराट कोहली फैफ डु प्लेसिस की पार्टनरशिप लगेगी, पावर प्ले में विकेट नहीं आएगा, नहीं आया। मैंने बोला था बटलर और सैमसन रन बनाएंगे, उन दोनों ने रन बनाए। मैंने बोला था रियान पराग फ्लॉप है आज, स्पेशली सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुआ। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी चहल कम से कम 2 विकेट लेगा, चहल ने 2 विकेट लिए। सेकेंड इनिंग्स में रिज टोपली ने विकेट लिए। हाँ, यश दयाल के बारे में बोला था मैंने, वो भी विकेट लेगा, लेकिन लिए थे 1 ही विकेट लिया, मगर चलो एक लिया तो कम से कम। तो प्रेडिक्शंस मेरे गलत नहीं हुए। हाँ, बस मैं एक धोखा खा गया, किसी के बोलने पे मैंने विराट को हटा के मैंने मैक्सवेल को कैप्टन कर दिया। छी यार, अपने आप के ऊपर शर्म आ रही, हंसी आ रही। खैर कोई बात नहीं, हंसी तो फिलहाल मुझे आ रही है अपने आप पर, क्योंकि मैं आरसीबी का फ़ैन हूँ और भाई साहब आरसीबी की टीम इतने मौके दे रही है हम लोग को रुलाने के, क्या ही बताऊँ। मतलब ज़िंदगी में ऐसे ही गमों की कमी नहीं है, आरसीबी एक अलग गम देती है। विराट कोहली बस है जो बंदा अकेले खेल रहा है, प्लेइंग 11 में नहीं, प्लेइंग विराट हो रहा है। 11 खिलाड़ी खेल नहीं रहे, सिर्फ विराट कोहली खेल रहा है, बाकी सब तो तेल लगा रहे हैं। अरे कोई भाई जाके विराट को कोहली को बताओ कि भाई ऐसे नहीं जीतने वाली आरसीबी। आप विराट भाई एक काम करो, आप आइए एक हथौड़ा लो, जितने आपके बॉलर्स हैं ना सबके पैर पे दही मारो, सबके पैर दो तोड़, सबको इंजर्ड घोषित कर दो, बोल दो सब चोटिल हैं, इंजर्ड हैं, सबको बाहर करो, रिप्लेसमेंट के तौर पर नए नए बॉलर्स, अच्छे बॉलर्स खिलाओ। किनको खिला रहे हो? हैं मोहम्मद सिराज को कोई जाके बताओ कि भाई साहब श्रीलंका के सामने मैच है, तब जाके 4-5 विकेट ले पाएगा। ग्लेन मैक्सवेल को कोई बोल दो कि भाई ये आईपीएल का मैच नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है, तभी वो परफॉर्म करेगा। फैफ डु प्लेसिस पता नहीं क्या कर रहे, कौन सा फाफड़ा खा रहे हैं, हैं समझ में नहीं आ रहा है। जॉर्ज बटलर को भी आरसीबी के सामने फॉर्म में आना था, अभी तक तो धुमिला रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, आरसीबी के सामने फॉर्म में आ गए। सर अब कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, आरसीबी के सामने खेल लो, इनके बॉलर सबको फॉर्म में ले आते हैं। सारी टीम होम ग्राउंड में मैच जीत रही थी, आरसीबी आई वो हार गई। मतलब हर बुरी चीज़ की शुरुआत आरसीबी से होती है, पता नहीं क्या है यार। चलो क्या कोई बात नहीं, अपना फोकस अभी होना चाहिए आज के मैच पे, क्योंकि आज का मैच भी बहुत झक्कास मैच है। ताबड़तोड़ स्टैट्स हैं, बहुत गजब गजब की बातें इस मैच को लेकर, और इस मैच में भाई साहब पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना कल का लॉस कवर करूं, क्योंकि कल मेरा 13 लाख रुपये का लॉस हो गया यार, उसको मुझे कवर करना है किसी भी कीमत पर आज। और पक्का वादा है कि पूरी कोशिश करूंगा, वादा बोलता हूँ, क्लीन स्वीप कराऊंगा इस वाले मैच में, नो डाउट। ऐसा कोई अल्टू पल्टू किसी के कहने पर कोई रिस्क नहीं लूँगा। खैर चलो, वो तो अपना काम नहीं, अपना काम है अच्छा ज्ञान देना, अपने प्रेडिक्शन देना, प्रेडिक्शन सही जाएंगे, जो मैं आपको ज्ञान दूंगा वो सब सही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर वीडियो। बस पूरा वीडियो आप लोग को शुरू से एंड तक देखना, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो शुरू से एंड तक, तो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा मैच का कि आपको कोई भी इस मॉडलिंग में हरा ही नहीं सकता। और ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग तो भाई साहब हम लोग हर रोज़ मिनी ग्रैंड लीग जीतते हैं। एक कभी कैप्टन से मिस कर जाते हैं, कभी वाइस कैप्टन, कभी एक प्लेयर से, कल भी सिर्फ कैप्टन से मिस कर गए। कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है, अच्छी टीम तो इसका मतलब बन रही है, काम तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट मैटर नहीं करता। खैर तो ये पूरा मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो पर सब लोग एक एक लाइक एक एक कमेंट कर दो, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन एक एनर्जी होते हैं। तो लाइक कमेंट सबका होना चाहिए, टारगेट करते हैं कि 80,000 लाइक आएंगे इस वीडियो में, 80,000 लाइक कर देना, कम से कम 50,000 कमेंट होने चाहिए, तो वो भी पूरा कर देना। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि पूरे IPL आपको सारे मैचेस की वीडियोज़, प्रेडिक्शंस, ज्ञान मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, बेल आइकन प्रेस करो, लाइव सेशन मिस मत करना, 2 बजे लाइव आएंगे हम लोग इस मैच के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गिव अवे का पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जिनको नहीं पता है गिव अवे, 5,000 रुपये का फ्री में जीतना है, तो जो सवाल पूछ रहा हूँ तुक्का मार के जवाब लिख देना। ठीक है, बाकी अच्छे से बताऊँगा आगे वीडियो में क्या है गिव अवे। तो भाई गिव अवे का हमारा पहला सवाल है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देने वाला है, उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना है इस मैच में। फैंटेसी पॉइंट सबसे ज़्यादा कौन देगा इस मैच में, उस प्लेयर का नाम गेस करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो बताओ तुक्का मारो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, बाकी आपसे गिव अवे के बारे में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका लिखो, बस गिव अवे जीतने की एक शर्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वो जरूर कर देना। ओके, चलो तो स्टार्ट करें फिर आज का वीडियो। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो के साथ। बढ़िया का स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले आज होने वाले आईपीएल का मैच नंबर 20 जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ये मैच होगा भाई साहब आपके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूज़ है दोनों टीम्स की, क्या प्लेइंग 11 होगी, बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस होंगे, पिच के बारे में आपको ज्ञान देंगे। वैसे ये दिन का मैच है तो पिच रिपोर्ट ध्यान से सुनना। खिलाड़ियों के आपको स्टैट्स बताएंगे, किसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, किसके रिकॉर्ड खराब हैं, और जो रिकॉर्ड सच में काम के हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सारे रिकॉर्ड बता के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको बढ़िया मैचअप देंगे, कौन से बॉलर के सामने कौन सा बल्लेबाज कितना स्ट्रगल करता है, कितनी बार आउट हुआ है, ताकि आपको भरोसा हो कि आप जिस प्लेयर पर रिस्क लेने जा रहे हो वो सच में काम करेगा या नहीं है। और बाकी फैंटेसी की आपको टिप्स भी देंगे, किसको कब टीम में पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, कौन कब सेफ है, कौन कब ट्रंप है, सब बताऊँगा। और मेरे मैच के प्रेडिक्शंस भी हैं, क्योंकि वो तो भाई बहुत जरूरी वीडियो में, तो जो मेरे मैच के प्रेडिक्शंस हैं वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। कौन कब चलेगा, कौन कब फ्लॉप होगा, सब बता दूंगा। और एट दी एंड मैं आपको अपनी एक फैंटेसी टीम भी दे दूंगा, मगर आप लोगों को ध्यान से मेरी फैंटेसी टीम देखनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैं टीम दूंगा फैंटेसी की वो मेरी फाइनल टीम नहीं होगी। फाइनल फैंटेसी टीम जिससे मैं कम से कम आज मैं 20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि 13 लाख का मेरा लॉस हो चुका कल, तो आज कम से कम मैं 15-20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा इस मैच में। तो जितने लोगों को मेरी टीम, जिस टीम से मैं खेलूंगा, सेम टीम मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जिनको मेरी फाइनल टीम देखनी वो लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लो, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @anuragxcricket। ठीक है, 14,50,000 से ज़्यादा लोग जिस चैनल पर जुड़े हैं वही हमारा असली चैनल है, बाकी सारे चैनल फेक है। और ब्लू टिक लगाया मेरे चैनल पे, ठीक है, वेरीफाइड चैनल है, तो उसको जाके ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। 14,50,000 से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर आपको बढ़िया गिवअवेज, बड़े बड़े ऑफर्स, सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अच्छा गिवअवे से याद आया भाई कि कल की वीडियो में जो गिवअवे के विनर बने वो आठ विनर कल बने, 8 लोगों ने 5,000 रुपये फ्री में जीत लिए हैं। कैसे, मैंने 3 सवाल पूछे थे वीडियो में, तीनों सवालों का जवाब इन लोगों ने सही दिया, जो कि जॉस बटलर, विराट कोहली और जॉस बटलर, ये सही जवाब थे। और विराट कोहली ने एक, मेरा सभी प्लेयर्स ने एक ही कैच पकड़ी थी, मगर सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट विराट कोहली ने दिए, तो वो सही आंसर था। तो इन 3 लोगों ने, इन 8 लोगों ने 5,000 रुपये जीत लिए हैं। अगर आपको भी 5,000 रुपये फ्री में जीतने हैं, आज इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देखिए, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा वीडियो में, उन 3 सवालों का आपको जवाब देना है। और तुक्का मारना, अगर आपको तुक्का सही बैठ गया आप भी 5,000 रुपये जीत जाएंगे और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वो जरूर कर देना। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं भाई मैच की बात। तो भाई टीम न्यूज़ देख लेते हैं भाई। बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया है मुंबई इंडियंस की टीम को, सूर्य कुमार यादव भाई सब फिट हो चुका है, वापस आ गया। ठीक है, MI कैंप ज्वाइन कर लिया, आपको प्ले ग्राउंड में खेलते हुए दिखेगा। बाकी कुलदीप यादव को फिटनेस टेस्ट एक पास करना होगा, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो प्ले ग्राउंड में आ जाएंगे। बाकी ज़्यादातर चांसेस तो ये हैं कि डाउटफुल है इस मैच के लिए, शायद ना खेलें। बाकी मिचेल स्टार को एक इंजरी हो गई है, तो वह भाई बाहर हो गया अभी कुछ मैचेस के लिए, तो वो बाहर है और हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। तो मिचेल मार्च की जगह पर दिल्ली की टीम में जॉस फ्रेजर मैकगर्क, एक बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो यंग प्लेयर है, अच्छी बैटिंग करता है, पावर हिटर है और काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, जायसवाल के तरीके खेलता है। ठीक है, हालांकि वो लेफ्टी है, राइटी है, तो वो खेल सकता है। ठीक है, चलो एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 बताने से पहले भाई आप लोग को बता दूं कि भाई वो विजन 11 पर प्लीज़ सब लोग जाकर डाउनलोड कर लो, विजन 11 को पर साइनअप कर लो, क्योंकि यहाँ पर भाई रेगुलर आपको हर मैच में 50,000, 1,00,000 रुपये के फ्री कॉन्टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो फ्री विजन 11 पर फ्री में रोज खेल सकते हैं। और यहाँ पर भाई साहब एंट्री फीस बहुत कम है, जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं, रेगुलर स्मॉल लीग खेलने वाले प्लेयर हैं, वो लोग अगर विजन 11 पर स्मॉल लीग खेलेंगे भाई उनके 1,00,000 रुपये बचेंगे, और जो पैसा बचेगा जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो और ज़्यादा बड़ा होगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा बढ़ेगा, लॉस में नहीं रहोगे फिर, क्योंकि आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देखो इरीम ग्रीम 11 पर खेलने से आपको कितना लूटा जा रहा है, वहाँ पर कितने ज़्यादा कमीशन लिया जा रहा है, आपसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं एंट्री फीस, यहाँ पर कितने कम एंट्री फीस ली जा रही है, यहाँ पर आपसे कमीशन बहुत कम लिया जा रहा है। इसे बोलता हूँ विजन 11 आपको डाउनलोड कर लो, विजन 11 का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मेगा लीग भी भाई करोड़ों की होती है, यहाँ पर ग्रैंड लीग में, मेगा लीग में 3 से 4 लाख टीम आती हैं, बस 3-4 लाख टीमों को हरा के फर्स्ट आ जाओ, 40-50 लाख रुपए जीत जाओ। और वहीं इरीम ग्रीम 11 पर खेलोगे तो 1.5-2 करोड़ टीमों को हराना पड़ेगा, और 1.5-2 करोड़ टीमों को हराना भाई बहुत बड़ी बात होती है, आपको बीच पता है। ठीक है, तो जाओ यहाँ पर खेलो, आसानी से जीतो, और 100 रुपये आपको फ्री में मिल रहे हैं साइनअप करने पर। तो जाइए विजन 11 का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, मेरे लिंक से डाउनलोड करो, रेफर कोड अनुराग यूज़ करो ताकि आपको 100 रुपये फ्री में मिल जाए, और 100 रुपये आप फ्री में पहले ही दिन यूज़ कर सकते हो, 100% यूजबल पैसा है, रियल कैश है। ठीक है, बस आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, तो जाके विजन 11 आपको डाउनलोड कर लीजिए किसी भी हाल में। ओके,
चलो अब बात करते हैं आगे हम प्लेइंग 11 की। तो पहले हम दिल्ली की प्लेइंग 11 भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेविड वॉर्नर पृथ्वी शॉ को ओपन करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद जॉश फ्रेजर मैकगर्क हैं तीन नंबर पे, फिर ऋषभ पंत, क्रिस्टियन स्टब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, सुमित कुमार में से कोई एक खेलेगा। फिर बाकी मुकेश कुमार हैं एंड इग्नोर किया ईशान शर्मा है। ये होगी प्लेइंग 11 दिल्ली की। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग कराने आ जाएंगे खलील अहमद या फिर मुकेश कुमार भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं बॉलिंग कराने, ठीक है। वो तो टीम के ऊपर मूड में किसको बाहर करें। अब दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग आप देखो रोहित शर्मा ईशान किशन ओपन करेंगे, तीन नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे, चार पे आएंगे डेवाल ब्रविस, पांच पे तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या, टीम डेविड गेराल्ड कोट्जिया, उसके बाद पीयूष चावला हैं, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल हैं। ये होगी प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की। अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भाई साहब बॉलिंग कराने आ सकते हैं के मफाका, जो कि साउथ अफ्रीका का यंग प्लेयर है, अभी 17 साल का वो कलौंडा है, ठीक है, और लपेटा जाएगा किसी दिन, बहुत बहुत पीटा जाएगा, ठीक है। अब उसको एहसास होगा भाई अंडर 19 क्रिकेट में आईपीएल में कितना बड़ा फ़र्क है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं दोस्तों पिच के बारे में। ये मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। लेकिन उससे पहले भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिन लोगों को प्रोबो के बारे में नहीं पता है, आजकल दुनिया फैंटेसी छोड़ रही है, आजकल दुनिया प्रोबो पर जा रही है, सभी लोग प्रोबो का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और सभी लोग प्रोबो पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। उसका रीज़न ये कि प्रोबो पर पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि फैंटेसी में आप लोगों को 11-11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना होता है, मगर प्रोबो पर ऐसा नहीं है। प्रोबो पर आप एक एक प्लेयर के प्रेडिक्शन पे, आप 6-6 ओवर की प्रेडिक्शन पे, आप टॉस के प्रेडिक्शन पे, आप मैच के प्रेडिक्शन पे आप पैसे जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज के मैच में ये पहले बता दूँ, ये एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सबसे पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको चल रहे सवालों के जवाब देने होते हैं हाँ या ना में, हाँ या ना में अपने ओपिनियन दो और पैसे जीतो। फॉर एग्जाम्पल आज के मैच में एक सवाल है कि मुंबई की टीम के आज का मैच जीतेगी, मुझे लग रहा है जीत जाएगी, तो मैं इसमें यस करूँगा और यस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। बाकी ल्यूक वुड क्या प्लेइंग 11 में होगा? भाई ल्यूक वुड किसके स्क्वाड में? दिल्ली के स्क्वाड में। तो ल्यूक वुड क्या प्लेइंग 11 में होगा? मुझे लग रहा नहीं होगा, तो मैं इसमें नो करूंगा। और दिल्ली की टीम का तीन ओवर में एक विकेट ले लेगी मुंबई का, मुझे लग रहा नहीं ले पाएगी, तो मैं इसमें भी नो करूंगा। इस तरीके से आप भी यस नो करके पैसे जीत सकते हो प्रोबो पे। और अच्छी बात यह कि आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप अभी प्रोबो का ऐप डाउनलोड करोगे। तो जाओ प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, प्रोबो का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, और जो फ्री में पैसा मिले पूरा यूज़ कर सकते हो। तो पहले दिन फ्री में खेलो, मज़ा आए तो बाद में डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। भाई साहब मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एवरेज स्कोर भाई साहब यहाँ का 170 का है। बैटिंग लिए बहुत तगड़ी विकेट है और फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो बॉलिंग टाइप बता दिया। पिछले जो 6 यहाँ पर आईपीएल के मैच हुए हैं, पेसर्स को 45 विकेट मिले और स्पिनर्स को उसके आधे मिले 22 विकेट। बाकी चेसिंग बायस है थोड़ा सा, 67 मैचेस चेस करने वाली टीम ने जीते हैं और 53 मैच जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने। और लेकिन ये मैच भाई साहब दिन का मैच है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पिच ड्राई होगी तो स्कोर डिफेंड होता हुआ भी दिख सकता है। आराम से 180 रन की उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस पिच पे बन जाएंगे आज, ठीक है। बाकी अच्छी विकेट होती है यूजुअली अ बेल्टर, बट द लास्ट हाँ जो पिछला मैच हुआ था ना वो एक दूसरी पिच पर हुआ था, वो पिच जो थी वो बहुत ट्रिकी पिच थी, इसलिए लो स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिला था। बाकी यहाँ पर पेसर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं और वही बात बोली कि दिन का मैच है तो स्पिनर्स गेम में रहेंगे, स्पिनर्स भी कमज़ोर मत समझना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की। देखो 33 मैच खेला गया बम्बई और दिल्ली के बीच में, 33 में से बम्बई ने जीते हैं 18 और दिल्ली ने जीते हैं 15, ठीक है। तो ये होगी बात। अब बात करते हैं स्टैट्स की, वो स्टैट्स जो सच में आपके काम के हैं, फालतू स्टैट्स बता के आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन समय बर्बाद करने से पहले याद आया कि आप लोगों को आज के प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड दे दूँ, जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, मैं YouTube पर रोज़ अपनी हर वीडियो में अपनी जनता के लिए एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाता हूं और जिसमें आप लोगों को मैं फ्री एंट्री दे देता हूं और आप लोग 1,00,000 रुपये जीतते हो, ठीक है। तो आज भी मैंने 1,00,000 रुपये का कॉन्टेस्ट बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को फ्री एंट्री मिल जाएगी अगर आप लोग कॉन्टेस्ट का कोड यूज़ करते हो स्काई। कैसे ज्वाइन करना है? विजन 11 ऐप जिनके पास नहीं है डाउनलोड कर लो विजन 11 का ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आज के मैच की टीम बनाओ। कॉन्टेस्ट वाले पेज में जब आप जाओगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेट कॉन्टेस्ट, उस पर क्लिक करना। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कॉन्टेस्ट का कोड डालना, ये SKY स्काई जब आप कोड डालोगे तो आपको 1,00,000 रुपये का कॉन्टेस्ट फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो जाइए 1,00,000 रुपये का गिव अवे फ्री में खेल लेना मेरी तरफ से आपके लिए, अपने यूट्यूब परिवार के लिए, और जीत लेना थोड़ा अमाउंट, ठीक है, तो कर लेना ज्वाइन। अब बात करते हैं दोस्तों की स्टैट्स की। तो देखो 8 में से 6 मैच इस ग्राउंड पर जो पिछले हुए हैं वो यहाँ पर जो चेस हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी इस ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस का जो विनिंग परसेंटेज है वो 65 है और दिल्ली की टीम यहाँ पर 35% मैच जीतती है। डेविड वॉर्नर का जो एवरेज है मुंबई के सामने 40 का है, ग्राउंड पर कम है 29 का है, मगर ठीक ही है।
पृथ्वी शॉ का एवरेज मुंबई के सामने तो बहुत ही बेकार है, 14 का है, जो कि इसके मतलब मतलब आईपीएल के करियर में सबसे घटिया एवरेज मुंबई के सामने ही है इसका, ठीक है। बाकी मुंबई के सामने ऋषभ पंत का एवरेज अच्छा है, 64 का है पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत का एवरेज बहुत घटिया है, 13 का है बस। और क्रिस्टियन स्टेप्स जो कि एमआई का एक्स प्लेयर है, पहले इस मुंबई इंडियंस में था, तो क्रिस्टियन स्टेप्स ने 3 मैच में 7 रन बनाया बस मुंबई में, ठीक है, इस ग्राउंड पे तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पे, बट बैटिंग विकेट है, स्टेप्स को मज़ा आएगा बैटिंग करने में। बाकी अक्षय पटेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 19 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं अक्षय पटेल मुंबई इंडियंस के सामने और 250 रन भी हैं। और अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पर अक्षय पटेल ने 14 मैच में 9 विकेट लिए हैं और 170 रन बनाए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं खलील अहमद की, तो खलील अहमद ने 4 मैच में 6 विकेट लिए मुंबई इंडियंस के सामने और ग्राउंड पर 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं, ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स हैं। ईशान शर्मा के रिकॉर्ड अच्छे हैं, 14 मैच में 16 विकेट हैं मुंबई इंडियंस के सामने और 10 मैच में 13 विकेट ग्राउंड पर हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी पिच होती है तो यहाँ पर उनको फ़ायदा तो होगा ही, विकेट तो मिलेंगे। अब बात करते हैं हम गिवअवे के अपने सवाल, तुम्हारा भाई गिवअवे का जो आज का सवाल है वो ये है कि इस मैच में मुंबई और दिल्ली के मैच में सबसे ज़्यादा छक्के कौन सा बल्लेबाज मारने वाला है, उस बल्लेबाज का आपको नाम गेस करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो तुक्का मारो, बताओ कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा छक्के आज मारेगा, अगर आपका जवाब सही रहा 5000 रुपये जीत जाओगे, कल की वीडियो में आपका भी नाम आ जाएगा, जैसे आज आया था 8 लोगों का, आप भी 5000 जीत जाओगे, ठीक है। और बस एक शर्त है गिवअवे की कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और तुक्का मारो, जवाब लिखो, बाकी सवाल आपसे आगे पूछ लेंगे। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, तो पॉइंट नंबर 10, ईशान किशन का जो एवरेज है वो 52 का है दिल्ली के सामने, लेकिन इस ग्राउंड पर एवरेज इसका अच्छा नहीं, 24 का एवरेज है, जो कि बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है। बाकी रोहित शर्मा का जो एवरेज है वो 33 का है दिल्ली के सामने भी, ग्राउंड पर भी तो ठीक ठाक नंबर्स हैं रोहित शर्मा के इस ग्राउंड पर। बाकी सूर्य कुमार यादव का एवरेज दिल्ली के सामने उतना कुछ खास नहीं है, 27 का है, लेकिन इस ग्राउंड पर एवरेज सूर्य कुमार यादव का बढ़िया है, 40 का एवरेज है। और उसके बाद आईपीएल 2022 से मुंबई इंडियंस की टीम ने 22% मैच जीते हैं बिना सूर्य कुमार यादव के, और सूर्य कुमार यादव जब होता है प्लेइंग 11 में तब 46% मैचेस जीते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो चांस तो खैर बढ़ गया आज। बाकी 4 मुंबई के बल्लेबाज हैं जो अक्षय पटेल के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं, कौन कौन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, टीम डेविड और हार्दिक पांड्या, और इन चारों का स्ट्राइक रेट अक्षय पटेल के सामने 100 से नीचे है, तो ये 4 बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के अक्षय पटेल के सामने स्ट्रगल करते हैं। भाई मैच भी दिन का है तो अक्षय पटेल आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा ऑप्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आज, ठीक है, मैं बोलूँगा सेफ। बाकी आकाश मधवाल के कुछ रिकॉर्ड हैं, 4 मैच में भाई साहब आकाश मधवाल ने 10 विकेट लिए हैं इस ग्राउंड पर, आकाश मधवाल को वानखेड़े की पिच बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये होगी भाई बात की स्टैट्स की, अब बात करते हैं मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, लेकिन जिन्होंने मिस कर दिया उनको फिर से बता दूँ, आज के मैच का जो हमारा प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड है वो है SKY स्काई, तो स्काई ये प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड यूज़ करो, कहाँ पर, विजन 11 पर जाओ आज के मैच में, प्राइवेट यहाँ पर क्लिक करो प्राइवेट कॉन्टेस्ट के ऊपर और कोड डालो SKY स्काई, और ये कोड जब आप डालोगे तो आपको 1,00,000 रुपये के कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी, तो फ्री में 1,00,000 रुपये जीत लो, लिंक दे दिया मैंने विजन 11 का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं की मैचअप्स की, तो मैचअप्स पर अगर दोस्तों ध्यान दें तो रोहित शर्मा को ईशान शर्मा ने आउट किया 3 बार सिर्फ 40 गेंदों में और सिर्फ 48 रन बनाए रोहित शर्मा ने, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती ईशान शर्मा को खेलने में। बाकी रोहित शर्मा को एंड्रिक नॉर्किया ने आउट किया 34 गेंदों में 2 बार लेकिन रन भी भाई साहब 60 मारे हैं, तो इनके सामने दिक्कत नहीं होती। बाकी रोहित शर्मा को अक्षय पटेल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, 60 गेंदों में सिर्फ 50 रन मारे हैं, ठीक है, और 2 बार आउट हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं रोहित शर्मा अक्षय पटेल के सामने। और सूर्य कुमार यादव भी अक्षय पटेल के सामने स्ट्रगल करते हैं, इन्होंने भी भाई साहब ये समझो 60 गेंदों में 50 रन मारे हैं और 1 बार आउट हुए हैं। बाकी डेवाल ब्रविस स्ट्रगल करते हैं एंड्रिक नॉर्किया के सामने, 23 गेंदों में सिर्फ 18 रन है और 2 विकेट है। और टीम डेविड भी स्ट्रगल करते हैं अक्षय पटेल के सामने, 23 गेंदों में सिर्फ 20 रन है और 2 बार आउट है। अब बात करते हैं दिल्ली के बल्लेबाजों को, तो दिल्ली के बल्लेबाजों में अगर आएँ तो डेविड वार्नर स्ट्रगल करते हैं जसप्रीत बुमराह के सामने, 50 गेंदों में सिर्फ 56 रन है, 2 बार आउट हुए हैं। पृथ्वी शॉ स्ट्रगल करते हैं पीयूष चावला के सामने, स्ट्रगल तो नहीं करते, 30 गेंदों में 47 रन मारे हैं, 2 बार आउट हुए, ठीक है, नंबर खराब नहीं, बढ़िया है। बाकी ऋषभ पंत की बात है तो ऋषभ पंत स्ट्रगल करते हैं बुमराह के सामने, बहुत ही गंदा, मान लो 43 बॉल खेली है बुमराह की ऋषभ पंत ने और 43 बॉलों में 6 बार अपना विकेट दिया है और रन भी नहीं बनाया, सिर्फ 48 रन है, ठीक है, तो ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ा खतरा है जसप्रीत बुमराह। बाकी अक्षय पटेल की बात करें, अक्षय पटेल भी बुमराह के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं बैटिंग में, 40 गेंदों में 40 रन है और 3 बार आउट हुए हैं, तो ये है, तो ठीक है, तो प्लेयर्स मैचेस आपको दे दिए मैंने, तो अक्षय पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉलिंग से, और पृथ्वी शॉ का भले ही मैंने मैचअप लिखा हुआ है मगर पृथ्वी शॉ की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, तो बढ़िया कर सकता है, आपके लिए ट्रंप होगा। अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ठीक है, तो फैंटेसी क्रिकेट टिप्स एक बार देख लेते हैं हम, लेकिन प्लीज़ भाइयों ध्यान से,
फिर से बता देता हूँ भाई, प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड स्काई है आज के मैच का, ज्वाइन कर लेना ठीक है, विजन 11 पे प्राइवेट कॉन्टेस्ट में एंट्री ले लेना। चलो अब बात करते हैं फैंटेसी की टिप्स की। तो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में ईशान किशन, ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देंगे, दोनों टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे टॉप फोर में, तो आपके लिए मस्ट बी केस स्मॉलिंग भी लेना ही पड़ेगा, दोनों बढ़िया प्लेयर हैं। अभिषेक पोरल को आप ग्राइंडिंग में ट्रैक करना, स्मॉलिंग में नहीं, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करेगा। अगर हम बैटिंग सेक्शन में आए, रोहित शर्मा डेविड वार्नर सेफ है ठीक है, और दिन का मैच है तो ज़्यादा स्विंग भी नहीं होगा, तो रोहित शर्मा आपके लिए सेफ है। बाकी डेविड वार्नर अच्छे फॉर्म में, तो इनको आपको लेना ही पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव अपना कम बैक कर रहा है और बड़ा खतरनाक बल्लेबाज है, और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी अच्छा है, 40 का एवरेज है, तो सूर्य कुमार यादव को आप आराम से अपनी टीम में पिक कर सकते हो। तिलक वर्मा बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फिर इनकी बैटिंग पक्का आ जाएगी, क्योंकि 4 या 5 में बैटिंग करने आएंगे। पृथ्वी शॉट ठीक ठाक ऑप्शन है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप दो रनिंग में ले सकते हो। बाकी फ्रेजर मैकगर्क अगर खेलता है तो बहुत अच्छे फॉर्म में था डोमेस्टिक में, और बिग बैश लीग में बहुत अच्छे रन बनाए, इसको ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करेंगे इंडिया में, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मगर अगर आप लेते हो तो आपके लिए अच्छा खासा ट्रम प्लेयर होगा, बहुत अच्छी हिटिंग करता है। बाकी टिम डेविड और स्टेप्स अच्छे हिटर हैं, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो। टिम डेविड तो बहुत नीचे आएगा, स्टेप्स को फिर भी ट्राई करना, टिम डेविड को स्मॉलिंग में ना ट्राई करना। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों आएँ, हार्दिक पांडे ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेगा, आज शायद बॉलिंग भी कराए, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा, मस्ट भी कर रखना है आपको टीम में। और अक्षय पटेल के रिकॉर्ड बड़े तगड़े हैं, 4-4 मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान किया है इसने, आउट किया है, तो भाई साहब इसको अपनी टीम में लेना पड़ेगा, आज इसका बॉलिंग से रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बैटिंग से आपको बैकअप देता है, बैटिंग तो कर ही लेता है, तो मस्ट वीक है। बॉलिंग सेशन में दोस्तों कराएं तो बुमराह और क्योटजिया, ये दो मुंबई के मेन बॉलर हैं, जो कि मतलब बॉलिंग करेंगे डेथ में, तो इन दोनों को आपको रखना, दोनों के पास बहुत अच्छी पेस है ठीक है, दोनों इनिंग में ले सकते हो, मगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करते हो मस्ट वीक है, फिर तो ले रही है। बाकी अगर दिल्ली की तरफ से देखें तो खलील अहमद और एंड्रिक नौरखिया, ये दो गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर बॉलिंग करेंगे, तो बॉलिंग अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करे तो खलील अहमद और एंड्रिक नौरखिया को लेना अपनी टीम में। बाकी पीयूष चावला कुलदीप यादव में से जो भी खेले आप सेकेंड इनिंग में, पीयूष चावला कुलदीप यादव में से अगर कुलदीप यादव खेलता तो जो भी सेकेंड इनिंग बॉलिंग करे आप उसको अपनी टीम में पिक कर सकते हो। आकाश मधवाल का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है इस ग्राउंड पर, तो आकाश मधवाल को आप जरूर लेना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। मफाका को जो है मफाका कैसे नाम रखते हैं, मफाका जो है दिल्ली के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है, तो उसको ग्राइंडिंग में ट्राई करना ठीक है। बाकी ईशान शर्मा मुकेश कुमार के ओवर कंफर्म नहीं होते हैं, तो इनको स्मॉल लीग से थोड़ा दूरी रखना, ग्राइंडिंग में ट्राई करना तो कर लेना। चलो अब हम बात करते हैं भाई मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में, लेकिन दोस्तों बता दूं ये मैच के प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ये गलत नहीं जाएंगे, जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा सही जाएंगे, बट बहुत ज़रूरी है आपको पूरा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप वीडियो देख रहे हो ठीक है, बट 2 बजे हम लाइव आ जाएंगे, हमारे चैनल पर एक शो है फैंटेसी काउंटडाउन, आप हमारे चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में जाओ और देखो क्या शो है, बहुत तगड़ा शो है फैंटेसी काउंटडाउन शो का नाम है। हम और बाकी एक्सपर्ट्स आते हैं, आप लोगों को सही सलाह देते हैं, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देते हैं, आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, आपके मैसेज हमारे पास आते हैं तब हम उन चीज़ों का जवाब देते हैं। तो भाई प्लीज़ हमारा शो देखो और 2 बजे का अलार्म लगा लो, 2 बजे आ जाना और हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा ज्ञान ले लेना, जो भी कन्फ्यूज़न हो दूर कर लेना, लेकिन शो को प्यार दो, शो को बड़ा बनाना है आप लोग को ठीक है। चलो अब बात करते भाई मैच की प्रेडिक्शंस की, तो मेरा जो भाई पहला प्रेडिक्शन है आज के मैच का वो ये कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ये दो खिलाड़ी पक्का रन बनाएंगे मुंबई के लिए, अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है, और इनके साथ में किशन या तिलक वर्मा सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। बाकी अगर मुंबई की टीम अगर सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करती है, अगर मुंबई की टीम अगर चेस करती है, तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का बल्ला पक्का चलने वाला है ठीक है। अब इनके साथ में रोहित शर्मा या तिलक वर्मा में से कोई सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा, मैंने गलती से इन सपोर्टिंग रोल में ईशान किशन डाल दिया, उसको रोहित शर्मा कर देना एडिटर साहब ठीक है। चलो बाकी पॉइंट नंबर 3, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल ये दो गेंदबाज मुंबई के लिए पक्का विकेट लेने वाले हैं गैराल कोटजिया के साथ पहले बॉलिंग करते हुए, और अगर सेकेंड इनिंग में मुंबई की टीम बॉलिंग करती है तो कोटजिया और पीयूष चावला पक्का विकेट लेंगे, साथ में मधवाल या फिर बुमराह में से कोई एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है सेकेंड इनिंग में। बाकी दिल्ली के लिए आए, दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत रन पक्का बनाएंगे पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए ठीक है, साथ में वार्नर स्टेप्स में से कोई सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा, और अगर दिल्ली की टीम अगर चेस करती है तो वार्नर और स्टेप्स पक्का रन बनाएंगे, साथ में पंत या पृथ्वी शॉ में से कोई सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं सातवें प्रेडिक्शन की, सातवां मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि खलील अहमद और एंड्रिक नौरखिया ये दो गेंदबाज विकेट लेंगे दिल्ली के लिए पहले बॉलिंग करते हुए, और पहले बॉलिंग करते हुए भी अक्षर पटेल या ईशान शर्मा में से कोई एक जो खिलाड़ी सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है दिल्ली के लिए, और अगर दिल्ली की टीम अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो अक्षर पटेल और एंड्रिक नौरखिया पक्का विकेट लेंगे, साथ में ईशान शर्मा सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है। बाकी मैच कौन जीतेगा, मैच भाई साहब मुंबई की टीम जीतेगी इस मैच में, 100% श्योर हूं मैं, नो डाउट ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं
फैंटेसी टीम की। तो फैंटेसी की टीम दोस्तों मैंने बना ली, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। और ईशान किशन को मैंने कैप्टन कर दिया है, सूर्य कुमार को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया है। वो क्यों, मुझे लग रहा है ऐसा कि अच्छा करने वाले हैं तो मैंने कर दिया, और थोड़ा विकेट कीपिंग से बैकअप भी देंगे। ईशान किशन तो मैंने ट्राई कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर आपका मन है आप चेंज करो, हार्दिक पांड्या को भी कर सकते हो, रोहित शर्मा को भी कर सकते हो, डेविड वॉर्नर को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बुमराह को भी कर सकते हो, पहले बॉलिंग करते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बढ़िया मैच है ना इसलिए। बाकी हालांकि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको जिस टीम से मैं 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ इस मैच में, वो टीम सेम टीम मैं आप लोग को दूंगा फ्री में, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो भैया जाओ, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @AnuragXCricket, असली चैनल से जुड़ना। 14,50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और ब्लू टिक लगा, वेरीफाइड चैनल है, ठीक है। धोनी के साथ मेरी फोटो लगी है, ये वाला चैनल जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये मेरा, यही मेरा असली चैनल है, यहीं पर मैं आपको रोज़ देता हूँ फ्री में टीम, ओके। और हमेशा फ्री टीम ही देता हूँ मैं, किसी चीज़ का पैसा नहीं लेता कोई, मेरे नाम पे आपसे पैसा मांगे कभी भी तो समझ जाना फ्रॉड है, ठीक है। चलो बाकी विजन 11 प्रोवो का ऐप डाउनलोड कर लेना। और आप, याद आया प्रोवो और विजन 11 से भाई सब याद आया कि एक सेकंड, क्या याद आया, कुछ तो याद आया था, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे कुछ प्रेडिक्शन के टाइम पे कुछ बताना था आप लोग को, मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, जरा खोलता हूँ मैं अपना ये नहीं तो कुछ खास नहीं, चलो ठीक है ठीक है। तो चलो विजन 11 प्रोवो का ऐप डाउनलोड कर लेना। और हाँ, गिवअवे का जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेने वाला है, आपको गेस करना है। तो बताओ कौन सा वो गेंदबाज है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा मुंबई और दिल्ली के मैच में। तुक्का मारो, अगर आपका तुक्का सही बैठ गया आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये, कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और क्या बोलना था, और जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट वाला कोड मैंने दिया है वो यूज़ करना। और बाकी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई आपने 3 सवाल नहीं, 2 ही सवाल वीडियो में पूछे, भाई आप सही से वीडियो देखो, मैंने वीडियो में 3 सवाल पूछे हैं, देखो तीसरा सवाल कहाँ छिपा हुआ है, थोड़ा आप ध्यान से वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन तुक्का मार के ट्राई जरूर करना, रोज 8-10 लोग जीत रहे हैं, आप बस रह जा रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर सुबह 10 बजे मिलते हैं, जो आज दूसरा मैच है लखनऊ का गुजरात का, उसकी वीडियो आपको सुबह 10 बजे देखने को मिल जाएगी। वॉले मैच की भी वीडियो देख लेना, और 2 बजे हमारे शो पे जरूर आना, लाइव शो होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू, चलो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।